वेलकम 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 दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, एपिसोड 9। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमने क्या किया था। पिछले एपिसोड में ये बस लाइन, बस डिपो हमने शुरू की थी शिमला सिटी में, जिसका आपने बहुत सारा अच्छा से रिस्पांस दिया है। देखिए अभी ये बस जा रही है, कहाँ पे जा रही है? ओल्ड सिटी लेन में जा रही है। देखिए ये वाली लाइन में जाएगी, जिसके अभी पैसेंजर वगैरह तो ठीक ठाक है सब कुछ। 69 पैसेंजर, लाइन यूजेज भी देखिए 43% यूज कर रहे हैं अभी लोग, तब ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। ये देखिए ये वाला बस है ना, देखिए जा रहा है अभी। देखिए और मैं जूम आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा लाइन ये पूरा कवर करके आएगी। अगर आपको नज़दीक से जाना है हम नज़दीक भी जाएंगे। यार परफेक्ट, ये हमारा ऐसा बस डिपो हमने किया था, इसका नाम भी दिया था ना हमने, शिमला बस स्टेशन दिया था। परफेक्ट परफेक्ट नाम है। तो इस एपिसोड में हम क्या क्या करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। आज के एपिसोड में देखिए ये इसको डेवलपमेंट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होना चाहिए इंडस्ट्री का। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कब होगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इधर रहने के लिए बुलाएंगे। तो JK फेज 2 आज ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी JK फेज 2 के लिए। अगर आप नए हो इस वीडियो पे, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मतलब हमारा अगला कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। शिमला सिटी हम चला रहे हैं वीडियो के माध्यम से, शिमला सिटी आ रहा है, सुपर मार्केट सिमुलेटर है हमारा, अभी नया गेम भी हमने लॉन्च किया है, GTA 5 का स्टोरी मोड हम खेल रहे हैं। तो ऐसे और सारे गेम भी आएंगे इन फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इसी के साथ। देखिए अभी ये कैसा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हम सीधा सीधा जाएंगे। लो हाउस के लिए अच्छा है, ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला बाद में रुक के लेंगे हम, जो साइड वाले हैं। साइड वालों के लिए ये देखिए लो डेंसिटी वाटर फ्रंट, ये वाटर फ्रंट के आगे वाला ये भी आ गया है। ये हम एक ट्राई करके देख सकते हैं कैसा कैसा दिखता है, क्या दिखता है। एक घर ट्राई करके देखेंगे हम, 3x3 का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि इसको चाहिए नदी, नदी के किनारे ही बनेगा ये। ट्राई करके देखेंगे, दिख तो अच्छा ही रहा है। मतलब और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप यहाँ से? देखिए वुडन का घर है, ठीक ठाक है, अच्छा दिख भी रहा है, सोलर पैनल है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं? क्या करेंगे तब तक के लिए, डिलीट करेंगे, ये रोड नहीं होना चाहिए, इसको अनजोन करेंगे। ये वाला ही किया था ना, डिलीट करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारा ये JK फेज 2 डेवलप कर रहे हैं। देखिए कितनी फटक से डेवलप हो रहे हैं सभी कुछ। ये JK फेज 2 में ये डबल पे रखेंगे हम अपने रो हाउस सेट करेंगे। रो हाउस हम छोटे छोटे वाले सेट करेंगे, तो उसके लिए एक पैरेलल बीच में से एक रोड देंगे, जो कि यहाँ से अंदर से कटेगा, एंड में यहाँ पे नहीं कटेगा, वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा पूरे बैंड को। यहाँ से लोग आएंगे, यहाँ से ही जाएंगे। अभी इसको सिलेक्ट करेंगे, ए वाला को, ए वाला एक, ए वाला एक, उसके बाद ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे। बन रहे अभी घर, डबल घर है तो उसको डिलीट कर देंगे। देखिए ये यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, सिंगल एक ही पूरा घर होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे ना देखने के लिए। ये हो गया इधर का, और ये वाला अभी बच गया ना, अभी इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, अंदर से देंगे बाहर तक नहीं देंगे।
ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक आएगा। ये दोनों क्यों नहीं आ रहे? आएंगे आएंगे, इसको रोड देना पड़ेगा। ये आ गए। डबल कुछ है तो डिलीट कर देते हैं। ये वाला डबल है, ये वाला डबल है। इसको ये कनेक्ट ही नहीं हुआ है रोड अभी। हुआ डबल कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, सिंगल ही है, सिंगल है, सिंगल है, सभी सिंगल है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। दो जगह पे हो गई। अभी कमर्शियल कितना है हमारे यहाँ कुछ चेक करेंगे। सबसे पहले तो इतना ही सेंटर कमर्शियल के लिए है, तो ये प्लाजा के पास तो कमर्शियल होना ही चाहिए। ये वाला एक पूरा सर्किट कमर्शियल होगा, इसके पीछे वाला भी सर्किट पूरा कमर्शियल होगा, ये वाला पूरा सर्किट कमर्शियल होगा। उसके बाद पार्किंग वगैरह उसका भी देखना पड़ेगा। पार्किंग तो बहुत सारा है, जून पार्किंग के कोई इशू नहीं है। इशू पड़ेगा स्कूलिंग का, क्योंकि एक ही एलिमेंट्री स्कूल वहाँ पे है हमारा, एक एलिमेंट्री स्कूल हमारा रहेगा ये जगह पे, ये जगह पे करेंगे। पीछे वाला ग्राउंड के लिए यूज करेंगे। टेम्पररी है, ठीक है। उसके बाद इसको इसको पूरा का पूरा हम अनज़ोन करेंगे हम, ताकि क्या है मैं बता सकता हूँ आपको, बताऊँगा। रुकिए, अभी इसका जो अपग्रेडेशन है वो यूज़ होना चाहिए ना। ये अभी ये आएगा, यहाँ पे आएगा, क्लिनिक आएगा, यहाँ पे आएगी। पूरा का पूरा अपग्रेड अभी के अभी करके देंगे हम, बाद में उसको देते बैठेंगे नहीं। रे वाला रोड है जो अभी इसको कनेक्ट करके देंगे, वाला ए वाला रोड कनेक्ट नहीं करेंगे हम इसको, यही एक ही रोड रखेंगे। ये तो ऑलरेडी रोड है ही, अभी सिर्फ कच्चा रोड देंगे। ये वाला रोड इसको कनेक्ट हो गया। पानी की कमतरता हो रही है शायद, पानी का हमारे यहाँ इरप्शन हुआ है, नहीं तो कैपेसिटी कम हुई है। ओके, तो कैपेसिटी कम हुई है, तो पानी का सोर्स क्या है? अभी हमारे यहाँ एक ही वाटर टावर है, वो वाटर टावर का हम अभी सिर्फ अपग्रेड कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। तो अभी पानी का थोड़े देर के लिए तो कम हो जाएगा, नहीं हुआ। ओके ओके, ये यहाँ पे एक वाटर टावर दे देंगे तब तक के लिए। ऑलरेडी है क्या? नहीं है। यहाँ पे एक वाटर टावर आएगा, वो वाटर टावर को ये भी करेंगे हम। एमआरडीसी के लिए अलग वाटर टावर, इसके लिए अलग। अभी होगी पानी की सॉल्व, हो गया सॉल्व, 50,000 के आसपास आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से ही ले रहे हैं, देखिए शिमला सिटी में अभी तक बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लिया जा रहा है। तो इस एपिसोड में हम दो काम करेंगे, एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी और ये जेके फेज 2 हमारा डेवलपमेंट का। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे एयर पोल्यूशन देखना पड़ेगा हमें। एयर पोल्यूशन, ये देखिए हवा किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करेंगे हम इस जगह पे। अभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स है वो एक बार चेक करेंगे हम। देखिए स्मॉल कोल पावर प्लांट है, उससे कितना 20 मेगावाट ही बिजली होता है। यहाँ अभी हमारा कंजप्शन ऑलरेडी 24 मेगावाट है, तो हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। गैस का देखिए 250 जाता है, कंजप्शन
कार्गो स्टोरेज 5 टन का है, ग्राउंड पोल्यूशन मीडियम है, सब मीडियम है। उसके बाद कोल का है 300 मेगावाट जाएगा, लेकिन पोल्यूशन ज़्यादा है, तो हम गैस स्टेशन पे चले जाएंगे। नेचुरल गैस तो हमारे पास रहेगा ही, जियो थर्मल भी ले जा सकते हैं हम। जियो थर्मल के लिए हमें क्या करना है? जियो थर्मल के लिए सबसे पहले तो जियो थर्मल पानी का सोर्स, पानी का सोर्स वो तो बहुत ही दूर है, यहाँ पे है पानी, यहाँ पे हम जियो थर्मल का प्लांट लगा सकते हैं। 2 ही टाइल्स चाहिए हमें खरीदने के लिए, बहुत ही दूर होगा ना, 1-2 टाइल्स में हो जाएगा। और जियो थर्मल के लिए ओपन करने के लिए क्या क्या लगेगा? कोल, न्यूक्लियर, देखिए यहाँ से डायरेक्ट जियो थर्मल अनलॉक हो जाएगा, जो कि हम अभी करके लेंगे। लेकिन जियो थर्मल का एक बार फिर से चेक करें कितना मेगावाट देगा वो सिर्फ 150 देगा। 150 मतलब अभी 5 गुना इससे ज़्यादा देगा, लेकिन बाकी का तो पोल्यूशन सेम ही है, उसमें भी कोई ये नहीं है। तब साइज में कितना रहेगा वो भी नहीं मालूम हमें अभी तक। गैस लगाएं ये लगाएं, इसको खर्चा देखिए 3,000, 3 लाख पर महीने को जा रहा है, और इसका खर्चा है 10 से, नहीं ये नहीं, यहाँ पे 6 लाख, नहीं यार ये तो बहुत ही खर्चा है, बेहतर है जियो थर्मल पे ही स्विच करेंगे। तो हम ये अनलॉक कर लेंगे जियो थर्मल का, हाइड्रोलिक करेंगे, लेकिन हाइड्रोलिक के लिए अभी सोर्स नहीं है हमारे पास। मतलब हाइड्रोलिक कहाँ पे होगा मैं बताऊँ क्या आपको? अरे भाई ये तो सीज़न बदल गया पूरा का पूरा, मौसम विंटर चालू हो गया, दिसंबर महीना आ गया ना। लेकिन हाइड्रोलिक के लिए पहाड़ी चाहिए, यहाँ पे हमारे मैप पे अभी तो नहीं है, यहाँ से हम कर सकते बाद में, लेकिन वो तो बाद का रहेगा ना, इसलिए तो सबसे अभी पहले ये अनलॉक करके लेंगे हम जियो थर्मल का। जियो थर्मल के बाद क्या अनलॉक करना है हमें? जियो थर्मल के बाद अनलॉक करना है हमें ए वाला, दो में बात चल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, जियो थर्मल प्लांट, देखिए यहाँ पे आएगा, परफेक्ट आएगा जियो थर्मल प्लांट। इससे पहले ग्राउंड का ये देखेंगे हम कॉन्ट्रोलर। उतना तो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई है, यहाँ पे नहीं है, तो ए लेवल का ही इसको करके लेंगे हम। सबसे पहले स्लोप टेरेन, ए वाले लेवल को कंसंट्रेशन भी बड़ा होना चाहिए, 250 से 200 रखेंगे। ए वाले लेवल को मैच करेंगे, के हो रहा है। ठीक है, अभी स्लोप करके लेंगे इसको। अभी जियो थर्मल प्लांट लगाएंगे हम। अब तो टेम्पररी तो लगा के रखेंगे इसको। यहाँ से इन आउट होगा, यहाँ से आउट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाला रोड तो सीधा सीधा ही जाएगा अभी हमारा। एक कौन सा था, ये 4 लेन का था ना, ये वाला लेन सीधा जाएगा इन फ्यूचर।
काम भी आएगा ये, और उसको आगे ये वाला रोड लेके जाएगा। ये वाला रोड कनेक्ट होगा उसको, ये देखिए बिजली पूरी की पूरी कनेक्ट हो गई हमारी। अभी क्या करेंगे, यही बिजली को हम बेचेंगे बाहर की तरफ। ये वाली बिजली है, इसको निकाल देंगे सबसे पहले तो। ये तो अभी चाहिए नहीं ना। ये तो पूरा का पूरा निकाल देंगे। और इसको लाएंगे हम हमारे इस सेंटर पे। ठीक है, अभी तक तो नहीं ला सकते, तो क्या हुआ बात, इसको तो ला सकते हैं। कहाँ है ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हम। यहाँ से अंडरग्राउंड लेके जाएंगे उसको। चलिए, एक तो सीधा यहाँ पे जाएगा और दूसरा इस ट्रांसफार्मर की तरफ से जाएगा। तो इसको सिर्फ इसको कनेक्ट करना है ताकि बाहर हम बिजली ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकेंगे। दो काम तो हो गए, जो थर्मल प्लांट भी आ गया हमारा आज बर्फीले, इसमें हमारा नया प्लांट भी आया है। जियो थर्मल मतलब जो नीचे का पानी गर्म पानी करता है उसको, और उससे बिजली पैदा करता है। बढ़िया दिखता है, देखिए देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे अल्टरनेटर वगैरह रहते हैं, यहाँ से पानी निकालते हैं नीचे से, अल्टरनेटर से घुमाते हैं और बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ये जो देखिए वेल है ना, नीचे से लाके उसके पानी को गर्म करते थे। अभी हमारा डिमांड ही नहीं बढ़ रहा है इसका, इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन बढ़ाएंगे अभी हम, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो मैप ओपन करना पड़ेगा। मैप ओपन किया तो हम देख रहे हैं ए वाला सेक्शन यूज कर सकते हैं, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला। उसके बाद अब ये वाले सेक्शन को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल सोर्स क्या है, क्या एक बार चेक करेंगे। फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज हो सकती है, यहाँ पे खेती हो सकती है। ठीक है, खेती के लिए तो अभी हमने यहाँ पे किया है पूरा इंतजाम। फॉरेस्ट इंडस्ट्री तो अभी यहाँ पे हो रहा है हमारा शिमला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और फ्यूचर में यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम प्योरली प्योरली बस्ती बनाएंगे हमारे, तो वो जरा ढंग की बस्ती रहेगी, कुछ इस प्रकार की। इसका स्लोप टेरेन, स्लोप भी देखना पड़ेगा, स्लोप तो अच्छा नहीं है इसका, स्लोप का प्रॉब्लम तो है। तो जैसा स्लोप है वैसे ही हम इसको गाइडलाइन से रास्ते बनाएंगे। जैसे कि एक हो गया, देखिए एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्लोप कम है, देखिए यहाँ से इस कम है।
इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आगे जाएगा, कुछ यूनिक बनाएंगे ना आज, यूनिक कॉलोनी रहेगी। इसका सेंटर यहाँ से आएगा, अरे बाप रे बहुत ही स्लोप में है क्या? ठीक है, छोटे 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 बनाएंगे। ऐसा कुछ शेप बनाएंगे अलग, कुछ तो अलग होना चाहिए। दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन, ये वाला नगर इसको, ये वाला नगर यहाँ पे। अरे सिंपल सा रहेगा, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स से बनाएंगे। और इसमें बड़ा सा पूरा बड़ा जाएगा, अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरा आए आंख रहता ना, आंख वो वाला आंख बनना दिया हमने।
इसको नाम देंगे हम डबल आई सिटी। आई सिटी देंगे, आई सिटी, आई सिटी। और बचा क्या है, ए कनेक्शन। तो ए कनेक्शन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अंडरग्राउंड जाइए। हो गया, तो चलिए दोस्तों अभी तक तो यहाँ पे ही रुकेंगे। देखिए आज के एपिसोड में हमने क्या किया, एक नया आईसीटी बना, इसको कनेक्शन कहाँ से देंगे आप कमेंट में बताइए, यहाँ से देंगे या ब्रिज करेंगे। जेके फेज टू में हमने बहुत सारी डेवलपमेंट की है, पॉपुलेशन हमने गेन किया है, और सबसे बड़ी बात हमने इस एपिसोड में किया है हमारा जियो थर्मल स्टेशन, जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है गुरु। देखिए बर्फीले पहाड़ के पीछे कितना बढ़िया दिख रहा है वो। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अभी, अब तक के लिए इतना ही रखेंगे, आपके आगे सेव करेंगे हम शिमला सिटी। बाय, गुड बाय।